नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का जो वीडियो है मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2015 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह के बारे में जो चल रहे हैं आपकी राशि से दसवें स्थान में। 12 अप्रैल तक दसवें स्थान में चलने वाले जो बुध हैं वो आपके लिए बहुत शुभ हैं, राजयोग कारक हैं, क्योंकि दसवें स्थान में जब बुध चलते हैं तो बिजनेस में कैरियर में वृद्धि होती है, पिता से लाभ होता है, क्योंकि दसवें स्थान में बुध जो है वो महाधनवान योग कारक है। बात करेंगे बुध ग्रह की अदर ट्रांजिट के बारे में तो 12 अप्रैल 2015 के बाद बुध चलेंगे राशि से 11वें स्थान में, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, बिजनेस में वृद्धि करने वाले हैं, पिता से लाभ रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा, तो बुध का जो भ्रमण है आपके लिए बहुत शुभ है। बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में तो सूर्य जो है वो 14 अप्रैल तक आपकी राशि से दसवें स्थान में चल रहे हैं, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, बिजनेस में वृद्धि करने वाले हैं, और 14 अप्रैल के बाद बुध चलेंगे 11वें स्थान में, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा और मित्रों से लाभ रहेगा। तो कुल मिला के जो ये मंथ है आपके लिए बहुत शुभ इंडिकेशन मिल रहा है। गुरु भी आपके धनुष में चल रहे हैं उच्च राशि में, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, और शुक्र जो है वो 6 अप्रैल से चलेंगे वृषभ राशि में, तो राशि से 12वें स्थान में चलने वाले शुक्र हैं वो भी आपके लिए बहुत शुभ हैं। हालांकि आपके लग्जरियस एक्सपेंसेस बढ़ेंगे इस मंथ के दौरान, और खास करके आपको डेट्स केयर करना है 12, 13 और 14 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मकर राशि में, तो मकर के जो चंद्र हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं, अष्टम चंद्र में आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए और डेट्स आपको टेक केयर करना है 20, 21 और 22 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे वृषभ राशि में, तो वृषभ के जो चंद्र हैं वो भी राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 12वें चंद्र में भी कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। यदि आपके कोई मित्र हैं मिथुन राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए। आप अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपके मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, और गूगल प्लस का प्रोफाइल है उसके अंदर भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स करिए चैनल पर, कमेंट्स करिए वीडियो पर, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।